सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 5 किलो अनाज में क्या हो रहा है? 5 किलो अनाज आ रहा है। अभी लग मिला नहीं वो अनाज। यहाँ पे सिटी लिखेगी जो करना लोग से। करना लोग सब तो एक राशन के लिए जी। मैं नहीं कह रहा चमारों का डंडा बहुत मजबूत है जी। और ये भाजपा है जी, ये सोचा है कि जितने अमीर लोग हैं उनके बगल में भर लो, हम आपस में लड़वा देंगे, अपने जाग तो पढ़ाओगे सब विदेशों में। दिक्कत हमें समझाते हुए आए तक क्यों बस पर देनी इन्हें, इब हम समझा लेंगे एक राशन को, क्योंकि भाई मैं भाजपा गिरानी और कुछ नहीं है। ये रामराज की बात करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई की बात कहीं पे नहीं करते। 76 साल में इतना कर्जा नहीं हुआ जितना 9-10 साल में हो गया। मैं चाह रहा है कि सारे के सारे स्कूल जितने भी हैं भारत के इन्हें सबको सरकारी बना दो। ठीक है, मुझे इसकी भी नौकरी लगेगी, सरकारी स्कूल में तो लगेगी, सबको पता चलेगा आई बच्चा सरकारी स्कूल में आया। हम अभी सहारनपुर जिले में हैं और ये नकुड़ विधानसभा है सहारनपुर जिले में। ये विधानसभा जो है ये चाहे ये सहारनपुर जिले में जरूर है लेकिन ये कैराना लोकसभा सीट में आती है। हम मोहल्ला सुजातपुरा में हैं, या मुख्य रूप से दलित समाज के लोग रहते हैं। आइए बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है सरकार के बारे में, वोट के बारे में क्या सोच रहे हैं इस बार 24 में, वोट कहाँ करना है। जी दीदी, हाँ, मोदी सरकार कैसी रही आपके लिए? ठीक तो है, अगर ठल्ली फिरा सारे पे ये ताश खेलते रहे इन्हें न लगा रहे नौकर। ये दारू पीवाए करे वो करा, ये काम करवाओ छटवाओ, दारू का दारू छोड़नी चाहिए। हाँ, जब वोट मिलेगी किसको वोट मिलेगी? मोदी को देगा फिर, मोदी को देगा, मोदी को देंगे दारू छुड़वाने के लिए। अब अच्छा चल मक्का लगवा दो, इन हम लगाओ कैसी दिक्कत अपने लगे। हाँ, नौकरी दवा दो। हाँ, आप बताओ नौकरी आप कह रहे नहीं मिली, यहाँ रोजगार नहीं है, बच्चे यहाँ ताश खेल रहे हैं, ठल्ली फिर रहा, खाली फिर रहे हैं, ठल्ली कतई। तो फिर आप मोदी सरकार को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? फिर आप मोदी को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? नहीं फिर भी घर पर चलाए लोग कर का, और रोटे सेक लो। 5 किलो अनाज में क्या हो रहा है? 5 किलो अनाज आ रहा है, अभी लग मिला नहीं वो अनाज। नहीं मिल रहा अनाज ना, 16 तारीख में जाएगा सारा महीना खत्म हो जाओ। अच्छा, हाँ ना, अनाज में कोई कार्रवाई होती क्या? कोई कार्रवाई नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, किधर वोट करने की सोच रहे हो? तो हम तो जाना जी बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को दे रहे हैं जी? ठीक है, क्यों बीजेपी को दे रहे हैं? ये तो बहुत नाराज है बीजेपी से। नाराज नहीं है जी, अभी हम सब उसे देंगे वो। अच्छा जी, क्यों बीजेपी पसंद आई आपको? अब सब मजदूरी को जाना, मजदूर को जाना, सब राशन भी दे रहे अच्छा सरकार, लेकिन और मुफ्त राशन जो मिल रहा है उससे मदद मिली आप कह रहे हैं? मिली जो छोटे मोटे जो चारा है ना, जो चारा मछलियों को भी डाल ले जा। नहीं नहीं, लेकिन वो जाल में आ जा, जाल में फंस जाना जब सर कह रहा है बचाओ बचाओ, जो मोदी चारा डाल ला ना, अभी तो जाल में फंसा रहा है ना, चारा डाल डाल के। इसको जेनरेशन गैप कहते हैं। नौजवान बहुत नाराज बीजेपी से, ताऊ अभी भी भाजपा की तरफ है। आप बताइए साहब, आप भी नौजवान है, चुनाव आ रहा है, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, चुनाव आ रहा है, इधर क्या वोट सोच रहे हैं आप? किधर वोट सोच रहे हैं? जो सही हो जी, क्या नाम है, देनी चाहिए। कौन सही है आपके? कोई भी, वैसे सारे चोरी है नेता फिलहाल तो इतना है, फिलहाल तो इतना है। वैसे आराम से उसको खुद बता दो, कोई नहीं है। हाँ आप बताओ, यहाँ पे सीट लिख देगी जो करना लोग से, करना लोग से तो एक हसन की लिख देगी जी। एक हसन की लिख जी, नौजवान के एक हसन की तरफ ज्यादा है, ज्यादा है जी। प्रदीप चौधरी कौन जानना जी, कोई भी नहीं, ये तो अभी लोग अभी तो तारा मैदान में इससे पहले यहाँ आया कोई? इससे पहले तो नहीं कोई आ गया चुनाव के। ठीक है, वो जो जनता के बीच में पहले आएगा वो सब कुछ होगा, सपोर्ट करेगी जनता। ठीक है, तो इकरा आई है आप लोगों के बीच में? आई है, रात भी थी जी, रात भी थी इधर। तो एक चीज़ बताओ, आमतौर पे पहले दलित समाज बहुत हद तक वोट हाथी पर जा रही थी, क्या अभी बदला है पिछले सालों में, क्यों आप हाथी इस बार नहीं सोच रहे हैं? हाथी का जी जनसंख्या कुछ चंद्रशेखर होगा, अलग पार्टी अलग अलग होगी, अब पैसा ज्यादा चलने लगा चुनाव में, ये है बस लोकतंत्र, और कुछ है चुनाव में, टिकट का हिसाब ही होगा बस। तो ये बताओ कि ये जो नौजवान है इकरा है, उससे क्या आप लोगों को कुछ उम्मीद है?
दलित समाज को कुछ उम्मीद है कि एक नौजवान पर इस तरह की एक अगर आपकी जो प्रतिनिधि हैं वो जीतेंगी कुछ उसका वो कुछ दलित समाज के प्रति करेंगी का? बात दलित समाज की नहीं, बात सारे समाज की है। सारे समाज की है, ठीक। हमें तो हमेशा दलित में गिना जाता है, कोई हिंदू या जाति अलग दलित में गिना जाता है, कोई भी नेता उससे अलग कहता है हमें कोई कि चमार है ये हिंदू है, हमें तो दलित में गिना जाता है। ठीक है, ये वो नौजवान है, एक रसन इसलिए है, नौजवान की तरफ ज्यादा देखेगी वो सरकारी है ये, इसलिए करासन होने चाहिए। ठीक है, भाजपा की सरकार कैसी रही है आपके लिए? नहीं तो देखो अच्छी है सरकार, तो सारी अच्छी है, कुछ ही कर लो, सरकार सारी अच्छी है, है। लेकिन सब चोर भी हैं आपने का। में है। सब चोर है, अच्छे चोर हैं, जिसका डंडा उसी की भैंस। अच्छा, अभी उसकी लाठी है आप कह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई ना कि अगर अपनी लाठी के दम पर कोई अपना ही। हाँ, अभी देखो कांग्रेस ने कितने साथ आ गया, जब तक चला चला जी, जिस दिन बीजेपी गिरेगी गिर जाएगी, गिर जाएगी। इस बार क्या आपको लग रहा है गिरेगी? हाँ जरूर, जरूर। मीडिया तो कह रही 400 पार, पता नहीं क्या क्या कह रहे। तो देखो वो मतलब क्या नाम है, मशीन से या बेल्ट पेपर से होंगे ना चुनाव, तो कोई दिक्कत नहीं होना। आइए तो इधर आइए। हाँ जी, बेल्ट पे वोट किधर वोट कर रहे? भोजन समाज पर जिंदाबाद। पिछले 5 साल काफी कुछ हुआ है, आप ही कई सहारनपुर ज़िले में पास में शब्बीरपुर की घटना हुई थी जहां बहुत सारे दलितों के घर जला दिए गए थे, और भी कई सारी 2 अप्रैल का बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली में रविदास मंदिर को तोड़ने की घटना हुई। आप वैसे इस सरकार का जो आप कह रहे थे, क्या रवैया आपको लग रहा है? सरकार तो देखो सर अच्छी है, पर क्या करें, रवैया लगे सत्ता का दिखा रहा है, सत्ता पे खेल रही है, सत्ता है ना इनकी, इसलिए कर रहे हैं, दिखा रहा है बस ये है। अगर हमारे ऊपर कोई होता, यानी कांग्रेस होता ना, मंदिर नहीं टूटा था, बोल कर देखते। अगर नेता मुख्यमंत्री, मतलब रविदास मंदिर की बात, रविदास मंदिर था ना जो तोड़ दिया था, ज्यादा सत्ता थी इनकी। अगर कांग्रेस के राज में कोई यानी चेयरमैन होता या मुख्यमंत्री होता और तोड़ के दिखाता, मैं नहीं कह रहा, चमारों का डंडा बहुत मजबूत है जी, चंद्रशेखर भाई के वे डंडा भी मजबूत है और कलम में भी दम बहुत तक ज्यादा है। तो एक तरीके से जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित हो संगठित हो, वो एक तरीके से आप सपना क्या पूरा हो रहा है? धीरे धीरे होएगा, अपना समाज बहुत हद से बदल गया जी, अब सक्षम हो चुके हैं जी, सब सक्षम हो चुके हैं, सबको पता है जी किसको कहां वोट देनी है, सब सक्षम हो गए। दबे कुचले लोगों को उठाना चाह रही थी, और चंद्रशेखर भी दबे कुचले लोगों को उठाना चाह रहा जी, और ये भाजपा है जी, ये सोचा है कि जितने अमीर लोग हो गए उनके बगल में भर लो, और जो हमारे ये नेता है ये सोचा बेचारे अमीरों की पार्टी। अभी देखो क्या नाम है वो, वहाँ कौन सा राम मंदिर बना था, राम मंदिर बना था वहाँ सभी बड़े बड़े अधिकारियों का, मतलब किसी गरीब, कोई गरीब आदमी को डिवेशन दिया, कोई गरीब आदमी था, सब बड़े थे ना, यहाँ दिखता है ना, यहाँ दिखता है जी, दलितों का चंदा वापस कर दिया था आपने, पता भी होगा दलितों का चंदा, राम मंदिर का जो चंदा वापस, 600 करोड़ रुपए लगे हम तक उसमें, राम मंदिर में 600 करोड़ रुपए, और 200 करोड़ रुपए बाबा साहब की मूर्ति में लगे, 600 करोड़ रुपए थोड़ा मायने बैठेगा जी। आप कह रहे हैं कि मतलब हिंदुस्तान से जा रहा, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मतलब जो लखनऊ में अगर पार्क बनता है तो उनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर राम मंदिर 600 करोड़ में बन रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत जो पार्क बनना ना, विदेशों से देखने के लिए आ रहे, डोनेट वहां से रसीद कटे जी, किसके खाते में जा रहा, सरकार खाते में जा रहा, और जो राम मंदिर जो मंदिर बनेगा ना जी, वहाँ पुजारी बैठेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और विदेशों में भेजेंगे, कौन सा बताए इलेक्शन में लड़ा रहा वहाँ से ना, तो यहाँ से हम आपस में लड़वा देंगे, अपने जागतों को पढ़ाओगे सब विदेशों में। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वैसे तो हम बसपा को वोट करते थे, लेकिन इस बार हम भाजपा के खिलाफ जो मजबूत कैंडिडेट है उसको वोट कर रहे हैं, आपने कहा था, इसलिए इकरा हसन, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? जी जी जी, नौजवान बहुत साथ है इकरा हसन के, बहुत ज्यादा, बहुत साथ, बहुत ज्यादा, अपने बूढ़े बुजुर्ग को तो हम समझा लेंगे जी, देखकर हमें समझाते हुए आए तक क्यों बसपा को देनी, इन्हें हम समझा लेंगे इकरा हसन को, क्योंकि भाई हमें भाजपा गिरानी है और कुछ नहीं है। भाजपा गिराना आपके लिए इस चुनाव में आपका एक मुख्य जो उद्देश्य है, भाजपा गिराना है, ये कई लोग जो फ्यूचर खराब कर दिया ना, ये पेपर लीक करके ये देख लो नु क्या, हमारी सरकार में वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चों का वो पेपर लीक हुआ ना, बच्चों का फ्यूचर खराब होगा जी। एक चीज बताओ, पेपर लीक का एक सवाल है, साथ में जो निजीकरण हो रहा है बहुत सारी संस्थाओं का, उससे आरक्षण भी कम हो रहा है, क्योंकि निजी संस्थाओं में तो आरक्षण का लाभ है नहीं। सरकार की बात छूटो, हमारे यहाँ 12 सालों के रो आया था, 12 साल 78 साल का रिकॉर्ड टूटा था, हमारे यहाँ जो जोड़ है ना, कम से कम 150 बीघे जमीन है उसमें, अच्छा वो आज तक निरीक्षण नहीं हुआ जी, 5 साल पहले चेयर
अभी ये देखो सांसद विधानसभा के रहा कोई नहीं आता जी, 150 बीघे की जोड़ हो रही वो, कोई नहीं आता इधर ना, कोई नहीं आता जो तो बड़ा सरकारी अस्पताल के सामने देखता नहीं, सरकारी अस्पताल के सामने देखता भी कोई नहीं है भाई, कौन आ रहा, पैसा भी आ चुका सब खा लिया, कुछ नहीं आप सब कुछ नहीं, आके देख लो, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है जी, देख लो भाई सरकार ने क्या करा, मकान दिए और इससे अलावा बता दो, मकान देश मकान देश में टैक्स कितना लगा, राशन चलो वो तो एक आम बात है, राशन भी मकान इससे अलग बता दो आप, राशन तो चलो अगर राशन, रोजगार की दिक्कत बहुत रही, बहुत ज्यादा रोजगार की सरकार, रोजगार की तो सर ऐसी दिक्कत है कि युवा ना, आज का युवा ऐसा हो चुका है वो पढ़ लिख के भी मजदूरी नहीं कर सकता, हाँ। आजकल ये है, हाँ। रोजगार तो एक प्रकार से खत्म ही कर दिया इन्होंने, अच्छा। सारी जो संस्थाएं थी सरकारी उनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया, तो उससे आरक्षण में भी बहुत, आरक्षण में बहुत तगड़ी दिक्कत आई है ना उससे, सबसे आरक्षण खत्म करने के भी तो लग गई थी, तो बड़ी मुश्किल से बचेगा, अच्छा यार बाकी लोग जी, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो की है ना कि इनका मेन मकसद है कि जो पहले था ना वो ही लाना है इनको, ये रामराज की बात करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई की बात कहीं पे नहीं करते, मतलब पहले लाने से आपका मतलब है कि जो पुरानी मनुवादी व्यवस्था थी उसकी बात, जी जी सर यही तो है ना, ये चाहती ही है, हाँ। कि हम पहले वाला ही लाएं, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, तो ये चाहते है ना कि गरीब का बच्चा दबे, तो इस बार आपका नाम, आप एक अब इनसे पहले बात कर लें फिर आपसे करते हैं, आपका आपने नाम दिया सर, मेरा नाम है नितिन पालीवाल, नितिन इस बार फिर क्या चुनाव में सोच रहे हैं, चुनाव की तो देखो ये है कि सबसे मेन मुद्दा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, ठीक है जी, तो किसको आप वोट देने के ला रहे हो, कांग्रेस है जी, कांग्रेस तो खैर गठबंधन में है सपा के साथ, इकरा हसन जी जी प्रत्याशी जी, वो है जी इकरा हसन का ही है जी, इकरा हसन जी सर, आप सब लोग इकरा हसन सोच रहे हैं, आप नौजवान हैं क्या, आपको लग रहा है कि उनसे एक नौजवान उम्मीदवार है तो शायद कुछ नहीं नहीं सर, सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारा देखो, आप एक प्रकार से देखो हमारे पास है, आप 76 साल में इतना कर्जा नहीं हुआ जितना 9-10 साल में हो गया, पहले हमारा 65 लाख करोड़ था शायद, अब यहाँ पे 200 कुछ करोड़ लाख हो रखा है, तो सब सबसे बड़ी बात ये है ना, जिसकी वजह से मतलब सभी को इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब कर दी गई है, आजकल हर बच्चा ये जितने यहाँ पे खड़े हैं ना, इनको ये नहीं पता कि हम ऐसे फुले 15 लाख रुपए हर एक के ऊपर कर जाए, यदि इनको एक बार दिखाया जाए, पर कोई नहीं देख रहा इस बात को, हाँ जी साहब बताइए, आप बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, चाहे तो हाथ का पंजा हो, चाहे हाथ का पंजा चाहे फूल हो, ये प्राइवेट स्कूल है ना, इन्हें सारों को सरकारी बनाते थे, जब पता चलेगा बिल्कुल सही बात है, कुछ बिल्कुल सही, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेंगे तब तक मतलब एक गरीब इंसान को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का नहीं, ये सरकार सुधरने देने की, हाँ। जो बड़ा है बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, जरा एक बार उनकी बात सुनो, जो बड़े आदमी हैं, हाँ जी बाहर विदेशों में पढ़ा हुए हैं, जो बड़े आदमी बाहर विदेशों में पढ़ा हुए हैं उन्हीं की ही नौकरी लगे हैं, हाँ क्या जी मेरा तो लड़का बाहर विदेश में पढ़ा पैसे देकर नौकरी लगवा, हर गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी नौकरी लगने की, मैं चाह रहा है कि सारे के सारे स्कूल जितने भी हैं भारत के इन्हें सबको सरकारी बना दो, ठीक है मुझे इसकी भी नौकरी लगेगी सरकारी स्कूल में, पता लगेगी सबको पता चलेगा आई बच्चा सरकारी स्कूल में आया, बहुत 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 जरूरी बात आपने कही है कि सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं जहाँ पर सबको वो मौका समान मौका मिले वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये बताइए कि सरकारी स्कूलों की हालत जो है पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन पिछले दस सालों में क्या सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी या खराब हुई है? बिल्कुल बिगड़ गया, सरकारी स्कूल भी बिगड़ गए, प्राइवेट भी बिगड़ गए, प्राइवेट इतना एक सेकंड जो प्राइवेट स्कूल है इतनी फीस बना दी उन्होंने, इतनी बना दी क्या अपने गले भर लिया सारे, एक गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा लगा प्राइवेट स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल को जो है ना सरकारी बना दो, तो आप कह रहे हैं कि मतलब प्राइवेट स्कूल में इस बार मतलब फीस भी बढ़ गई और सरकारी स्कूल में हालत और बुरी हो गई है? नहीं बस मेरे तो कहने का मतलब यह है जितने भी स्कूल है ना यहाँ भारत उनको सरकारी बना, सब सरकारी बना, ठीक है तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में, कहाँ सोच रहे हैं अगर आप? वो तो जहाँ वोट देनी है वो तो कांग्रेस मोदी ने पागल कर दिया, फिर नाच देंगे और पैसे देंगे, मोदी ने पागल कर दिया, ये जो जाकर खड़े किसान है जो मजदूर है ये करने सोचते
क्योंकि इसमें आगे बलबुता ठीक है। आप बताइए जी, ये तो इनसे इनसे बात हो गई है। आप बताओ जो ठेकेदार है इसके चिल्लो। अच्छा, ठेकेदार साहब को बहुत सरकारी मकान मिले हैं। ठीक है, और किसी को बात रखनी आपको? मेरी बात सुनो, आपने तो बोल दिया कांग्रेस। जी सर, मेरी बात सुनो। हाँ, कांग्रेस के हम तो ये मोदी ने पागल कर दिए, इन्हें नाच फ्री दे देगा, पैसे फ्री दे देगा, फ्री फ्री में। एक बार नारा हो जाए, जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा कौन सा नारा लगा रहे थे आप? मोदी सरकार इतनी बिगड़गी, केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहा था, सब बेचारे को बिस्तर करवा दिया। केजरीवाल तो ऊपर सरकार नहीं कोई आज तक। केजरीवाल की अपनी दिल्ली देखो कैसा कर रखा, पंजाब में दिल्ली में काम खतरनाक कर रखे। जिस दिन अब तो हरियाणा में, जिस दिन यूपी में आ गए नंबर वन वोट देंगे, जिस दिन केजरीवाल पर्चा भरता है यूपी से, वोट केजरीवाल को देंगे, भूल जाएंगे सारी पार्टियां। देखो मंत्री जैसा केजरीवाल, मतलब आपको सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य पर जो काम हो रहा है वो अच्छा लग रहा है? वही अच्छा लगता है, संविधान संविधान के दौरे में रहकर बात करे जी। मैं बंदा और ये करे मानसिकता को बढ़ावा देना दे सब। तो ये जो जेल में डाल दिया केजरीवाल को, उसके बारे में क्या कहें? ये बहुत गलत कर रहा है, ये तानाशाही सरकार की बात है। अच्छा ये बताओ, पिछली बार आप लोग के वोट कहाँ गए थे? पिछली बार भाजपा सरकार पे गए थे जो, पिछली बार भाजपा पे, इस बार जाएंगे? हमारी वोट कभी भाजपा सरकार पे तो जाने की, देखो मैं बताऊं नहीं जाने की। हाँ, देखो तो पिछली बार सपोर्ट में बीजेपी की जरूरत थे, अब इस सरकार से जब तक मुझे फिर दिक्कत आई है। तो अब लोग हट रहे हैं, लेकिन सरकार कोई बात नहीं अच्छी थी, 5 साल अच्छा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। अब इससे पहले मकान ना सब चीज दी, कोई गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। अब गुंडा वो तो कहते हैं कि हमने बड़ी इस कानून व्यवस्था ठीक कर दी है, देख लो अनगुड़े में कोई चोरी। मैं नहीं करता, आज मैं पब्लिक ऐप पे वीडियो देख रहा था, एक ऑफिसर के लड़के ने ही गला काट दिया, यानी फट्टे बजा बजा के मौत कर दी। चलो आप क्या कह रहे थे, आप अभी आए काम आपको पसंद नहीं है, काम वोट कहाँ देने की सोच रहे हैं ये बताइए? बस वोट तो जो अच्छा काम करेगा उसे भी देंगे जी। किसका काम अच्छा होगा? जो भी सरकार के राशन है। इनको आप मजबूर मत करो बेचारे को, पता नहीं ना फिलहाल कौन कौन खड़ा। ठीक है चलो, कोई नहीं कोई नहीं। और कौन बात करेंगे? आपने बता दिया। हाँ जी, अभी हम कैराना लोकसभा के नकुड़ विधानसभा में सुजातपुरा मोहल्ला में थे। लोगों की राय, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आई है इस चुनाव को लेकर। एक हिस्सा अभी भी यहाँ पर हाथी के साथ खड़े हैं, एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का इस सरकार से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, कई मुद्दों पर नाराज़ है, खासकर कि रोज़गार और सरकारी शिक्षा के जो हाल हो रहे हैं, और बहुत सारे अन्य सवाल भी यहाँ पर उठे हैं। कुछों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस सरकार में कहीं ना कहीं जातिवाद और भेदभाव का भी एक ज़्यादा असर देखने को मिला है। जुड़े रहे CCA के साथ, ये चुनाव धीरे धीरे बहुत रोमांचक होए जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। और किसी को बात करनी है?